नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधवी कलाल, लेकर हाजिर हूं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। डीएनए क्या होता है? आपके शरीर में कुछ ऐसे अणुओं का ऐसा समूह होता है जो आपके पेरेंट्स से मिले वंशानुगत गुण या फिर अनुवांशिक जानकारी को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। यही डीएनए की असल परिभाषा है जो विज्ञान कहता है। माना जाता है कि डीएनए एक होता है तो सोच एक होती है, नजरिया एक होता है। इसी डीएनए पर ताजा बयान दिया है जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे, यानी उनका डीएनए एक ही है। मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का समर्थन किया जिसमें भागवत ने सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक होने की बात कही थी। हालांकि तब भागवत के बयान पर ओवैसी जैसे नेता भड़क भी गए थे और डीएनए जांच कराने का राग भी अलापा था। यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है मुझे कि मदनी साहब हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक होने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके दिल में और दारुल उलूम जैसे तालीम खाने में तालिबान के लिए हमदर्दी भरी है। मदनी साहब दारुल उलूम आए छात्रों को सिर्फ इस्लाम पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं, महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं, नहीं तो वो राह भटक जाएंगे। यानी यहां पर मुसलमानों की सोच का डीएनए हिंदुओं से मेल नहीं खाता। समझ ये नहीं आता कि जब आप डीएनए एक है तो फिर शरिया को संविधान से ऊपर कैसे समझते हैं? जब आप लोगों का डीएनए एक है तो फिर आपके लिए मजहब और कट्टरपंथिता क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यह भी सवाल कि क्या हिंदू मुसलमान के पूर्वज एक थे, ये मानेंगे मुसलमान? जो मदनी कह रहे हैं वो सारे मुसलमान मानते हैं। क्या मुसलमान ये मानेंगे कि एक डीएनए पर संघ की सोच सही है? अगर सिर्फ एक है सोच तो क्या सियासत के धार्मिक भेदभाव वाला एजेंडा चलाया जा रहा है और क्यों? देश को यह भी जवाब चाहिए कि भारतीयता की सोच में हिंदू मुसलमान का बंटवारा ही क्यों है? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि कल जब मैं डिबेट कर रही थी तो एक बहुत पढ़े लिखे पीस पार्टी के लीडर इस डिबेट में थे मेरे साथ और उन्होंने दारुल उलूम की इतनी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नेहरू और गांधी से भी दारुल उलूम जो है वो ऊपर बसता है, उनका कोई कनेक्शन, कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। जब सोच एक है तो फिर आप देश के साथ अलग अलग सोच क्यों रखते हैं? जब आपका डीएनए एक है तो फिर आपके हिंदुस्तान का प्रेम वहां आपके मजहब के सामने कम क्यों पड़ जाता है? इसीलिए आज पूछ रही हूं कि मदनी साहब का जो राग बदल गया, क्या सचमुच सारे मुसलमान वैसा सोचने लगे या फिर ये एक मुखौटा है? अगर है तो वो मैं खींच के निकाल दूंगी। एक रिपोर्ट दिखाती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से मिलवाती हूं। दो दिन दो जुबान, मदनी के दिल में तालिबान। कभी गांधी नेहरू दहशतगर्द, कभी डीएनए पर फूटा दर्द। हिंदुस्तान और यहाँ रहने वाले लोगों यानी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। माथे पर चंदन हो या टोपी, आप मंत्र पढ़ते हो या कलमा, लेकिन आपकी सोच एक है, आपका डीएनए एक है। डीएनए थ्योरी पर ताजा बयान आया है जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का। उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक होने के सवाल पर कहा कि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक ही हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं जी? यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है, हिंदुस्तान की जितनी बिरादरियाँ हैं, हिंदू भी है मुसलमान भी है, इसमें कौन से इख्तलाफ की बात? अरशद मदनी संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर बोल रहे थे जिसमें भागवत ने कहा था कि हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या मदनी के बयान पर कट्टरपंथी मुसलमान समर्थन करते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता गंगा जमुनी तहजीब वाले बयान का समर्थन करेंगे? क्योंकि महज एक हफ्ते पहले ही ओवैसी ने मुसलमानों की अलग पहचान होने का दावा करते हुए कहा था कि करवा लीजिए, चलिए बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं, चलिए करा लेते हैं डीएनए, आप करा लीजिए, हम तैयार हैं,
आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। कहिए, चलिए। जाहिर है मजहब की बिसात पर सियासी रोटी सेकने वाले वैसी जैसे सियासतदान मदनी के एक डीएनए वाले बयान से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। ना तो उन्हें एक तालीम से मतलब है और ना ही उन्हें कॉमन सिविल कोड से। कट्टरपंथी उलेमा तो बस तीन तलाक जैसे मुद्दों पर शरिया के नाम पर भड़काने का काम करते हैं। खुद अरशद मदनी साहब खुलेआम ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि दारुल उलूम जैसे तालीम खाने में तो सिर्फ और सिर्फ मौलवी तैयार होते हैं। यहाँ तालीम लेने वाले छात्र डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि मौलवी बनते हैं, जो मस्जिदों में जाकर सिर्फ नमाज पढ़ाए। वही महिलाओं को लेकर अरशद मदनी की सोच तालिबान से कम नहीं है। महिलाओं की शिक्षा पर मदनी ने कहा कि औरतें अगर मर्दों के साथ तालीम हासिल करेंगी तो उनकी राह भटकने का खतरा है। जाहिर है इस तरह की तालिबानी सोच कौम को कहां लेकर जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए मेहमानों से मिलवा देती हूँ। आज इस डिबेट में मेरे साथ गीता भट्ट जी हैं, आरएसएस की समर्थक हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं। नदीमुद्दीन साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपसे कुछ देर में मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। शुभम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस डिबेट में रहेंगे। मसूद हाशमी साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मसूद हाशमी साहब, मेरे को ये बताइए, क्या सारे मुसलमान संघ प्रणाम करेंगे अब? नहीं, देखिए मेरी बात समझ में नहीं आती कि ना मोहन भागवत जी की बात को समझा जाता है पूरी तरीके से, ना मदनी साहब की बात को समझा जाता है। और जहां तक भागवत जी की बात है, आप मदनी साहब पे तो इल्जाम लगा रही हैं दोहरी बात करने का। भागवत जी के बारे में आपका क्या विचार है? भागवत जी तो ये बात कह चुके हैं कि हिंदू धर्म जो है वो धर्म ही नहीं है, हिंदुइज्म जो है वो तो जीने की एक शैली है। तो उसके ऊपर कभी आप लोगों ने डिबेट नहीं की कि भागवत जी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हिंदू धर्म को धर्म मानने के लिए तैयार नहीं है, कभी इसके ऊपर आपने बात नहीं की। और जहां तक डीएनए की बात है, यहां इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग मुसलमान हैं आज, वो तमाम के तमाम लोग अरब से मुसलमान नहीं आए। यहां पर कोई प्रीचर आए, उन्होंने अपनी तबलीग करी, इस्लाम के बारे में बताया, लोगों को मुसलमान किया। और यहां जो लोग रह रहे थे, जो मोहन भागवत जी के यहां पे बाप दादा रह रहे थे, आबाओ अजदाद रह रहे थे, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग मुसलमान हो गए, जिसमें से हम हैं। तो सॉरी, उसमें किसी आपत्ति की बात नहीं है। और यही बात हम कहते हैं, अब अगर हम अपने हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई कहते हैं तो उस पर लोगों को आपत्ति हो जाती है। तो हम भी इसी बात को कहते हैं कि हम और आप एक ही जगह के रहने वाले हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं। हिंदी हिंदू होना कोई गाली नहीं है। और हिंदू इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि भागवत जी ये बात कह चुके हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म ये तो जीवन शैली है। तो हमारा अब जहां तक गीता जवाब की बात है, गीता जी, जी गीता भट्ट जी, जी माधुरी जी, देखिए सबसे पहले तो जो हाशमी साहब जो कह रहे थे, बिल्कुल ये तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, या तो एक जीवन दर्शन है जो इस भूमि की जो हजारों वर्षों का जो की जो जीवन यात्रा रही, उससे जो दर्शन उपजा, उससे जो आध्यात्म उपजा, वह हिंदू है। और पूजा पद्धति जो है वो उसका एक भाग है। तो इस जो ये जो जीवन दर्शन है, उस जीवन दर्शन में यहाँ के रहने वाले सभी लोग जो है उस जीवन दर्शन को मांगने वाले हैं। अब पूजा पद्धति आपकी जो है वह जो आप भगवान शंकर को भी मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, या हो सकता है आप किसी और भगवान को मानते हो। तो इसका इसी बात को जो भागवत जी ने बात कही, कोई उन्होंने नई बात नहीं, ये बात एक तो पुष्ट होनी चाहिए। जो उन्होंने जो ये बात कही, ये बड़े लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ने यही बात कही है कि इस धरती पर रहने वाला जो व्यक्ति है वह अपने दर्शन से, वह अपनी संस्कृति से हिंदू है। और यही विचार जो है वो बार बार कहा जा रहा है। उसके ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास, जो कुछ ओवैसी जी जैसे लोग जो राजनीति करने का उस पर प्रयास करते हैं और उसको संविधान और उसको दोनों को सामने खड़ा कर देते हैं, यह बात आपत्तिजनक है। आप भारतीय संविधान को आप ये बताइए, सेकुलर शब्द क्या भारतीय संविधान में, जब भारत का संविधान 1950 में बना तो क्या तब जुड़ा था उसके साथ? उस समय अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर डिबेट को देखें तो उसके ऊपर बहस हुई और ये निर्णय लिया गया हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उनके द्वारा कि सेकुलर शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारी जीवन संस्कृति का सेकुलर होना तो
इस देश की जीवन संस्कृति का भाग है, लेकिन उसको नहीं, तो इसका मतलब तो झगड़ा खत्म हो गया। हाशमी जी आप बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, इसका मतलब तो फिर झगड़ा खत्म हो गया। सारे मुसलमान मानते हैं कि डीएनए पर संघ की सोच सही है, फिर जो ओवैसी जी कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, ओवैसी जी गलत हैं। इसमें देखिए है ना, इसमें कोई झगड़ने वाली या जो हमारे मुसलमान भाई बहन है उनको बहुत ज्यादा हेपर होने वाली बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को ये दर्शाना चाहते हैं कि वो वहीं से आए, उनके आबा अजदाद उनके पुरख वहीं से आए, लेकिन इस बात को सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा। तो कुछ लोगों में ओवैसी जी को भी कह रहे हैं ना, पूर्वज थे, ओवैसी जी तो नहीं मानते इस बात को। नदीमुद्दीन जी थ्रू हुए क्या मेरे साथ? नदीमुद्दीन जी आप बताइए सर, नदीमुद्दीन जी को लाइए प्लीज। नदीमुद्दीन जी, हाशमी साहब ने मान लिया कि जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमारे सबके हिंदुस्तान में तो डीएनए सबका एक है क्योंकि हमारे पूर्वज एक है, हिंदू मुसलमान कहा अलग है, तो फिर सर शरिया को संविधान से ऊपर क्यों रखते हैं? फिर ये जो मुजाहिद तैयार करने की बात होती है इसकी क्या जरूरत है? फिर वो देवबंदी सोच की क्या जरूरत है जब सब एक ही है तो झगड़ा ही नहीं फिर तो? नदीमुद्दीन, वो अलग चीज है। देखिए सारे भारतीय डीएनए कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि सारे इंसानों का डीएनए एक है, सारे सैयदना आदम की औलाद है, हम भारतीय हैं, हम सब सारे सैयदना आदम की औलाद है। अभी नुपुर शर्मा जी बोल रही थी सेकुलरिज्म का शब्द, मैं कह रहा हूँ सरकार आपकी हटा दीजिए, आप देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, आपको किसी ने रोका है क्या? वैसे भी आप मुसलमानों को दलितों पर 7 साल से अत्याचार कर रही हैं, मुसलमान अपने राइट्स की बात करे तो उस पर केस दर्ज कर दो। नदीमुद्दीन जी, आपके मन में इतनी कुंठा क्यों है, क्यों जहर क्यों भरा हुआ इतना? मैं तो सिंपल सी बात पूछ रही हूँ, क्या जो आपके मदनी साहब कह रहे हैं, हालांकि वो एक दिन दो दिन में दो जुबान बोलते हैं, कल वो तालिबानियों के लिए प्यार दिखा रहे थे, आज वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबका डीएनए एक है, हो सकता है हृदय परिवर्तन होने में 24 घंटे ही लगे हो। मैडम मुसलमानों से 20 करोड़ को निकाल दो, ताजमहल गिरा दो, कुतुब मीनार गिरा दो, लाल किला गिरा दो, इतने गुलामी का प्रतीक खत्म कर दो, मुसलमानों को खत्म कर दो, इसने मना किया आपको? आचार्य विक्रमादित्य, नदीमुद्दीन जी आप मुझे एक बात बताएं कि आप जब भारत के संविधान में जब हिंदू कोड बिल के द्वारा हिंदू कोड बिल जब लाया गया तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने और उनकी बाकी कैबिनेट में बाबा साहब अंबेडकर जी भी थे, उन्होंने ये कहा कि यह जो हिंदू कोड बिल क्यों नाम रखना पड़ा उसका, और उसको ये कहा कहना पड़ा कि जो भी सिर्फ यहूदियों को मुसलमानों को, ठीक है, ज्यूज को मुसलमानों को और पारसियों के अलावा बाकी जितने लोग यहाँ रहते हैं वह इस हिंदू कोड बिल के अंतर्गत आते हैं। और उस समय जिस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया उस समय क्यों नहीं आपके समुदाय के लोगों ने आकर कहा कि हम भी इसका भाग बनना चाहते हैं, हम भी अपनी महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं? ना 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 मैम, क्या बोल रही हैं आप, क्या बोल रही हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। नदीमुद्दीन जी, तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो आपके मदनी जी खुद कह रहे हैं कि हम तो किसी को डॉक्टर इंजीनियर और टीचर बनाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम तो उन्हें मजहबी इस्लामिक पुरुष बनाने के लिए पढ़ाते हैं, हम महिलाओं को हमारे शरिया में अलाउ नहीं है कि महिलाएं जाएं और खेलकूद में भाग लें, हम तो महिलाओं को पढ़ाएंगे तो अलग बैठकर पढ़ाएंगे जो तालिबान में होता है। सर इसीलिए पूछ रही हूँ, ये दो दिन में दो जुबान फिर भी सोच तालिबानी, एक तरफ कह रहे हैं डीएनए तो डीएनए एक है आचार्य विक्रमादित्य, एक तरफ डीएनए एक है और सोच तालिबान की है। जिस प्रकार के वार्तालाप यहाँ हो रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के बेसिक ठीक नहीं है, ये बेसिक नॉलेज जो है वो यदि ठीक नहीं हो तो उसके कारण से ना ये डिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स आते रहते हैं, कभी कुछ बोल दें, कभी कुछ बोल दें, कभी कुछ बोल दें। जिस प्रकार के मदनी जी ने बयान दिया कि भैया सबके बाप दादा एक है, यहाँ पे डीएनए एक रहा है, और अभी यहाँ पर बैठे हुए हाशमी साहब को शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि शायद इन्होंने कहा कि जब वहां से कोई इबादत करने वाले आए और उन्होंने हम उनसे प्रभावित होकर यहाँ के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अरे भाई साहब, आपके लोगों ने उनसे प्रभावित होकर नहीं,
तलवार के बल पे धर्म परिवर्तन किया गया था, करा के सुन्नत करा कर आप लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया था, आप लोग डर गए थे, आप लोगों की जिंदगी से आप लोगों को इतनी प्यार था कि आप लोगों ने अपनी शहादत देनी नहीं समझी, आप लोगों ने कहा कि भैया कि आप ये धर्म परिवर्तन कर लो, हम कल से अल्लाह भी आपको प्यारा कर लेंगे, लेकिन आप समझे हमने यहाँ मदनी परिवर्तन है, मदनी जी एकदम बोलते हैं कि तालिबान की सोच, जो तालिबान के मदनी जी बोल रहे हैं वही मदनी जी बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है मदनी जी कमेंट के अंदर और वहाँ बैठे शिक्षा मंत्री के कमेंट के अंदर, शिक्षा मंत्री कहता है कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर बनो, और वही मदनी साहब कह रहे हैं कि साफ साफ तरीके से कि पढ़ा लिखा आदमी की जरूरत क्या है, कि वैसे ही हम लोग बन जाएंगे, आपको आप जो पोजीशंस है वो दिलवा देंगे, यही स्थिति है वास्तविक तौर पे, इस्लामिक तौर पर केवल मदरसे में की जो पैदाइश है, जो मदरसे की केवल पढ़े लिखे लोग हैं इस देश के अंदर, जबरदस्ती जनमानस के अंदर इस प्रकार का भयावह वातावरण बना रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी के कारण से इस देश में भाई आपसी भाईचारा नहीं बनने दे रहे, इनको कोई मतलब नहीं है किसी गरीब आदमी से, इनकी केवल राजनीतिक सोच है कि जनमानस को केवल इनका 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 वर्जन तो जानने दीजिए ना मुझे सर। नदीमुद्दीन जी बताइए मुझे कि ये दो दिन में दो अलग अलग जबान मदनी जी बोल रहे हैं, जो मदनी जी ने कहा, प्लीज आपकी हामी की जरूरत है मुझे, हाँ जो भी आपका ओपिनियन है बताइएगा, मदनी जी ने कहा कि जो संघ प्रमुख कह रहे हैं उसमें कोई चीज गलत नहीं है, हम लोगों के पूर्वज एक ही हैं, डीएनए समान है, तो क्या सारे मुसलमान इस बात को मानते हैं जो मदनी जी कह रहे हैं, या फिर अब आपको लगेगा कि मदनी जी की बात हम क्यों माने, हालांकि वो जमीयत उलेमा के आपके अध्यक्ष भी हैं, दारुल उलूम भी देखते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। कल यही मदनी जी कह रहे थे कि नेहरू गांधी तो इस देश में दहशतगर्द थे, है ना, इसलिए पूछ रही हूँ क्या ओपिनियन है आपका। आप क्या बोलना चाह रही हूँ समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ कि मदनी की बात की किस बात की आप, हमसे सफाई चाह रही हैं, किस बात की महिलाओं की बात की आप, क्या बात कर रही हैं, महिलाओं का उत्पीड़न जितना भाजपा करती आई है, तालिबान से ज्यादा ये कठुआ के रिपिस्टों को तिरंगा यात्रा किसने निकाला था, सेंगर किसकी पार्टी में है, आशाराम को किसने सपोर्ट किया था, पूरी रेपिस्टों की पार्टी भाजपा है, महिलाओं की बात करती है, अरे महिलाओं पर अत्याचार करने में भाजपा चार कदम आगे है, नुपुर शर्मा जी से मैं मेरा एक सर आपके साथ गीता भट्ट बैठी हैं, आपके साथ गीता भट्ट बैठी हैं और ये आरएसएस से हैं, ठीक है, आपको सुनिए सुनिए ना दुबेदिन जी सुनिए, नुपुर जी यहाँ नहीं बैठी है, पहली तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा एक प्रश्न है राबिया सैफी को दरिंदों ने रौदा, एक बार तो आपका स्टेटमेंट आया कभी आपने बात किया, एक तरफ आप तालिबान की बात कर रही है, क्या तालिबान की मानसिकता भारत में नहीं है, जितने तालिबान के नहीं तो आप, मैं वही तो बोल रही हूँ सर, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्या आप मान रहे हैं, क्या सारे मुसलमान संघ को प्रणाम कर रहे हैं, नदीमुद्दीन जी लगता है बहुत भ्रमित हो रखे हैं, उन्हें समझ में क्या कहना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, आप ये आपको अभी बता दूं नदीमुद्दीन जी, मुंबई में अभी एक इतना घृणित कार्य हुआ एक महिला के साथ, मुंबई में वहाँ कौन है आज राजनीतिक सत्ता में, वहाँ कौन है मुंबई में सरकार में आपको मालूम है, पुणे में अभी कुछ दिन पहले 14 वर्ष की एक लड़की के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म किया गया, वहाँ पे कौन देखता है, वहाँ पे राज्य व्यवस्था कानून व्यवस्था वहाँ कौन देखता है, आप बताए जरा, समझ नहीं आ रहा, ऐसे समझ नहीं आ रहा नदीमुद्दीन जी मैं फिर पूछ रही हूँ आप थोड़ा सोच लीजिए आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें समझ नहीं आ रहा है, मतलब दोनों तरह की बात नहीं हो सकता ना सर, दोनों तरह की बात नहीं हो सकती, हाशमी जी को लाइए, हाशमी जी जरा क्लियर कीजिए, नदीमुद्दीन जी किसके साथ हैं, ये संघ को प्रणाम कर रहे हैं या फिर ये वो देखिए दूसरी वाली सोच की बात कर रहे हैं, आपको डूब के मर जाना चाहिए, अभी आप कह रही थी कि मदन जी ने ये बात कह दी कि सबका डीएनए एक है तो संघ को सब सलाम करेंगे, संघ को सलाम करने वाली बात नहीं है, हम ये बात मानते हैं कि हाँ हम सबका डीएनए एक है, अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी, हमें चुना
और हम किसी भी तरह मुसलमान हो गए। ये जो अभी आदित्य जी कह रहे थे कि तलवार के दौर पे, तो मैं इनको कहना चाहता हूं ये अपने बुजुर्गों की तौहीन करना बंद करें, क्योंकि एक या दो मुसलमान वहां से आए और उन्होंने तलवार के जरिए सारे हिंदू, क्यों अपने बुजुर्गों को आप निपुंसक बता रहे हो, क्यों अपने बुजुर्गों पर इल्जाम लगा रहे हो कि वो तलवार के आगे झुक गए। ऐसी बातें मत करो मेरे भाई, ऐसी बातें मत करो। हिंदुस्तानी कौम शुरू से बहादुर रही है, इनकी इनकी परंपरा है और हम बहादुर लोगों के सपूत हैं। ऐसी बातें मत करो तलवार के जोर पे नहीं। हाँ, हमने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी वहदानियत को हमने पहचाना, ऊपर वाले ने हमें तौफीक दी तो हम मुसलमान हो गए। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे। नहीं सर, सुनिए सुनिए, आशीष सुनिए, अल्लाह अकबर कहने में तो किसी को, किसी हिंदू को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं ये कह दूं कि हर हर महादेव कह दो तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वहां पूछ रही हूँ, जब डीएनए एक है तो फिर तो हम नहीं कह सकते। हाँ, हम नहीं कह सकते ना माधुरी जी, आ गए ना, यही तो फर्क है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। आचार्य विक्रमादित्य, इस पर आपका जवाब चाह रही हूँ। मैंने इनसे कहा मैं अल्लाहु अकबर कह सकती हूँ, आप हर हर महादेव कह सकते हैं क्या? फिर तो आप बदनी जी की बात को मैं कुछ, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं अल्लाहु अकबर कहने पे। ये कोई सेकुलर नहीं है, ये डीएनए की एक ही बात जो कर रहे हैं ये भी केवल मुखौटा है। इनका सिंगल लाइन एजेंडा है कि जमा जो वास्तविक तौर पे स्क्रीन पे लाइए प्लीज, जब कोई बोल रहा है सिंगल लाइन एजेंडा है, इनका कोई और एजेंडा नहीं है। इस देश के अंदर पूरी तरह से सिंगल, यही हर रोज मदरसे में सिखाया जाता है और इसी तौर पे हर मस्जिद में इसी की इबादत की जाती है। अल्लाह ताला से यही मांगते हैं रोज और इसी एक सिंगल लाइन एजेंडा पे इस देश को, पूरे विश्व को बर्बाद करने में लगे हुए हैं ये लोग। और इनके कुछ मौलाना तथाकथित तौर पर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया भी नहीं बोल सकते। ये केवल ये चाहते हैं कि इनके मौलाना साहब राज करें, इनकी कोई इनकी इच्छा ये भी नहीं है। मैं इसीलिए ताज्जुब में हूँ आज कि वही मदनी साहब जो कल तालिबानियों के लिए हमदर्दी रखते हैं दिल में, वो महिलाओं को ये बता रहे हैं इस देश में रहते हुए भी कि हमें महिलाओं को पढ़ाना जरूरी नहीं है, उन्हें हम खेलकूद में नहीं बेच सकते, हमारा तो शरिया इसके लिए अलाउ नहीं करता। अरे आप कौन से शरिया की बात करते हैं? आप संविधान के ऊपर शरिया को रखते हैं, आप मुजाहिद तैयार करने की बात करते हैं इस देश में, और उसमें भी आप मजहब को आप अपना सबसे ऊपर रखते हैं। आपके लिए राष्ट्र कहां है? मैं आपसे सवाल बहुत सीधा है, क्या जो अरशद मदनी ने आज कहा वो सच है? क्या देश का मुसलमान ये मानता है, या फिर ये कहें कि जो अभी नदीमुद्दीन साहब हमारे कह रहे हैं वो सच है, या हाशमी जो कह रहे हैं वो सच हैं? मेरे सामने नदीमुद्दीन जी को लाइएगा शिवम त्यागी के साथ प्लीज। नदीमुद्दीन जी, मैं फिर पूछ रही हूँ सर कि अगर डीएनए एक है तो ये फिर धार्मिक भेदभाव वाला एजेंडा तो होना ही नहीं चाहिए कहीं पे। देखिए मैडम, एक बार तो साफ साफ मैं कहता हूँ कि देश संविधान से चलता है, कोई शरिया से चलता नहीं। शरीयत का मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस संविधान ने कहा है कि सबको अपने धर्म पर चलने का अधिकार है, हमको अपने धर्म पर चलने का अधिकार है, हम मुसलमान हैं, हमको शरीयत अजीज है। मगर संविधान के अंडर में पहले हम संविधान को पढ़ते हैं तालिबान से देश तो संविधान में तो नहीं लिखा है कि फिर महिलाओं को जो है वो स्पोर्ट्स में मत भेजो। आपके मदनी जी ने आज कहा उसमें ये तो नहीं लिखा है कि महिलाओं को पुरुषों से अलग बिठाकर पर्दे में रखकर पढ़ाई करवाओ। ये संविधान में तो कहीं नहीं लिखा, मेरे देश के संविधान में तो नहीं लिखा है। ठीक, क्या महिलाओं के कॉलेज अलग नहीं होते? क्या महिलाओं का पुलिस स्टेशन अलग नहीं है? क्या महिलाओं को रेल का डब्बा अलग नहीं है? अगर महिलाओं को अलग तालीम की एजुकेशन के बारे में कोई गलत कर रहा है, अपने मन से बातें बना लेते हैं। नदीमुद्दीन जी, आप मन से नदीमुद्दीन जी डब्बा अलग नहीं है, महिलाएं पुरुषों के साथ डब्बे में भी ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए अलग से एक डब्बा ज्यादातर इसलिए होता है कि कहीं उनको कोई परेशानी हो तो कहीं वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए, लेकिन वो पुरुषों के साथ भी उनको बराबर 50% की भागीदारी मिलती है। कोएड एजुकेशन आजकल इस देश में सबसे ज्यादा है, है ना? और कोई जरूर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको अलग रहना ही रहना है। ये कहां कौन सी सदी की बात करते हैं आप? ये पेट में मार दिया जा रहा है, कितनी बच्चियों को कोख में मारा जा रहा है, ये कौन तालिबानी है? ओहो, तो सर उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए ना। वो परेशानी एक सामाजिक परेशानी है और उस पर अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है उसको सजा मिलती है, उसको छोड़ा नहीं जाता धर्म के नाम पर, उसको जेल डाला जाता है, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है, उसे छोड़ नहीं दिया जाता। कितने बलात्कारियों को फांसी दी गई, सबको जो भी सामने आता है उसको जेल भेजा जाता है।
और वहां पर जो हजारों में और लाखों में एक साथ बलात्कार की घटना मुसलमानों से नफरत और हिंदुओं से प्यार वाली कौन सी थ्योरी समझाना चाहते हैं? कौन सी थ्योरी है नदीमुद्दीन जी? ये कौन सी थ्योरी है? बलात्कारी क्या हिंदू और मुसलमान देखा जाता है? अगर वो गलत है और उसने बलात्कार किया है तो उसके खिलाफ भी वही कानून होगा जो देश में सबके लिए होता है? ये कौन सी थ्योरी लेकर आ गए आप? क्या कार्रवाई हुई मैडम? बीजेपी की वकालत नहीं तो अरे नदीमुद्दीन जी, चलिए आप इधर भैया, बीजेपी की वकालत में क्यों करूंगी? आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? आप मानते हैं, क्यों नहीं रहते आप मानते हैं ना हिंदू मुसलमान एक ही है, हमारा डीएनए एक ही है, हमारे पूर्वज एक ही है, आप मानते हैं ना इस बात को? छोड़िए, इधर उधर मत जाइए, तालिबान मत जाइए, अभी फ्लाइट नहीं चल रही है। आप ये बताइए, हिंदू मुसलमान एक ही है ना, डीएनए एक ही है ना, पूर्वज एक ही, आप मानते हैं? त्यागी दुनिया के बेशरम, शिवम त्यागी बेशरम आदमी, एनआरसी में मुस्लिम महिलाओं को 500 रुपया पर। आप ये बताइए कि आप मेरे सेम डीएनए शेयर करने वाले हैं कि नहीं, भाई है कि नहीं है? आप मुझे बेशरम कहिए, मैं आपको भाई कहता हूँ। सर संचालक जी ने भी यही कहा है कि आप हमें गाली दीजिए, हम मान रहे हैं हमारा डीएनए एक है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं है कि नहीं? अरे तो जबान जबान गलत कर रहा है, जबान आपकी है तभी तो बोल रहा है, जबान आपकी देखिए आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बताइए भाई है कि नहीं? आप मेरे पिस्तों का तिरंगा यात्रा निकालने वाले सारी दुनिया में घुमाएंगे। अच्छा बताइए आप, हमारा डीएनए एक है कि नहीं है? इतना जोर जोर से मत चिल्लाया कीजिए। क्या हमारी महिलाओं तुम्हारी महिलाओं क्या है ये नदीमुद्दीन जी? ठेकेदार है क्या आप महिलाओं के? क्या बोल रहे हैं आप? छोड़ा, देखिए तालिबान में क्या हाल हो रहा है, देखिए। ठेकेदार है क्या आप महिलाओं के? यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तालिबानी, आपके मदनी जी कह रहे हैं महिलाओं को स्पोर्ट्स में नहीं भाग लेना चाहिए। सानिया मिर्जा को नहीं देखा कभी उन्होंने? जिहादी मानसिकता, आप कुछ नहीं बोले। एनआरसी पर मुस्लिम महिलाओं को, अरे एनआरसी है कहाँ महिलाओं के लिए? अभी एनआरसी कहाँ से आ गई और कहाँ से उसमें मुस्लिम महिलाएं आ गई? अरे कहाँ कौन भी लगा रहे हैं? हाशमी जी को लाइए आचार्य जी के सामने। हाशमी जी मैं फिर कह रही हूँ सर, या तो मदनी जी फेक है या ओवैसी फेक है, दोनों में से कौन सच बोल रहा है? ओवैसी जी नहीं नहीं कह 10 सेकंड चाहिए अगर मिल जाए तो प्लीज। हाँ प्लीज, एक बार आचार्य जी के सामने, उसके बाद देखिए। फेक होने वाली तो किसी की भी बात नहीं है। अगर मदनी जी ने ये बयान दिया है तो उनकी सियासी मजबूरी है, और वैसी जी उसकी काट कर रहे हैं वो उनकी सियासी मजबूरी है। आप ये बात भी समझने की कोशिश करिए कि हिंदुस्तान के अंदर सियासत भी, सुनिए सुनिए सुनाती हूँ, कुरान के अंदर क्यों इनइक्वालिटी की गई है? क्या आदमी और मर्द बराबर नहीं है? इस देश का संविधान कहता है कि हिंदू मुसलमान की बात छोड़े, आदमी औरत दोनों बराबर है, इक्वालिटी है। लेकिन आप कहते हैं कि औरत की गवाही एक आधी लाख मानेगी और आदमी की गवाही एक मानी जाएगी। दो औरतों की गवाही के बराबर में एक आदमी की गवाही है। हाँ, क्यों है ऐसा? हाँ हाँ विक्रम आचार्य जी ऐसा इस वजह से है कि हम अपने कुरान को मानते हैं और हमारे सर पत्थर जो है वो कुरान है। आप तो धर्म की बात नहीं कर रहे। अरे संविधान की बात को, संविधान की जब हम बात करते हैं, जब आप संविधान की बात नहीं करते, आप लोग तो संविधान को बदलने के चक्कर में लगे हुए हो। आरएसएस को तो 52 साल लग गए, 56 साल सॉरी 56 साल बाद उन्होंने अपने हेड ऑफिस को तिरंगा लहराया। आप कौन से संविधान की और कौन से तरीके की बात कर रहे हो? पर इस तरह का बयान मत दीजिए यहाँ बैठकर सर। कोई देश के संविधान को नहीं बदल रहा है, संविधान की बात मानकर आप मान कर रहे हैं संविधान की। इस सेक्युलरिज्म का झोला फिर किसने उड़ा है? हम तो संविधान से इतना प्यार करता है। अरे माधुरी जी, हम हिंदुस्तान का मुसलमान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, और अभी हमने तो जो सीएनआरसी के जो हमारे जितने भी वो चल रहे थे प्रोटेस्ट, उसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों को लेके उनको अपने सर पे रख के चल रहे थे। हम उनको मानते हैं, उनको बदलने की कोशिश तो ये लोग कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी वाले। हम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहते हैं। पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्यों कहते हैं आप इस बात को कि उनको खेलने का अधिकार नहीं है? जो कहते हैं उनको गलत कहते हैं, हम करते हैं क्यों वो गलत कहते हैं मेरे भाई? तालिबान जो बोल रहा है, उनको तो हम भी कंडेम कर रहे हैं ना, सरानी भी आतंकवादी है, क्यों बोलते हैं ऐसी बातें? अरे भाई तालिबान की बात करनी छोड़ो, आप हिंदुस्तान की बात करो, छोड़ो अफगानिस्तान बहुत दूर है, आप हिंदुस्तान की बात करो। रुक सकती हूँ, अजान हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चियां पढ़ने जा रही हैं उनकी सिक्योरिटी की बात करो, हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चियां खेलने जा रही हैं उनकी सिक्योरिटी की बात करो। राक्षस आते हैं उनको उठा के ले आते हैं,
बलात्कार करके गटर में फेंक देते हैं, उसकी बात करो। तेज मुझे अजान की कहीं से आवाज आ रही है, लड़ी मत जी। मैं इस पे आपका बहुत शांति से भी ओपिनियन ले सकती हूँ, और आप चाहें तो मैं थोड़ी देर रुक भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज आवाज आ रही है अजान। आप सुन पा रहे हैं शिवम? हाँ, मेरे पास तो अजान होती है ना, मैं तो अब हम बात कर सकते हैं। शिवम को लाइए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता था माधुरी जी, शुरुआत में जो मेरे साथ मेरे भाई बैठे हैं मसूद हाशमी जी, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने पूर्वजों को या हमारे पूर्वजों को बदनाम मत कीजिए, क्या वो कमजोर थे जो एक दो बाहर से मुसलमान आए और उनसे वो हार गए। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि हां, मेरे जो पूर्वज थे वो शूरवीर ही थे, मैं उस देश से आता हूं और उसका वंशज हूं, उस महाराणा प्रताप का वंशज हूं जिसने घास की रोटी खाकर भी अपने धर्म को जिंदा और अमर रखा। मैं उस हिंदू परिवर्तन से आता हूं, उस हिंदू जात से आता हूं, उस हिंदू धर्म से आता हूं, उस समाज से आता हूं जिसने हजार साल आतंक, रेस और गुंडागर्दी, बलात्कार सब कुछ झेलने के बाद भी अपना धर्म नहीं बदला। मैं उस हिंदू धर्म से आता हूं जिसका सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ा गया, लेकिन 18वीं बार आज वो 17 बार से भी बेहतर खड़ा है। मैं शूरवीर कौम से आता हूं आपका मुझे नहीं पता, आप तय कर लीजिए। तो जब आप ये कहते हैं मुझे इस बारे में आप ज्ञान ना दे। और दूसरी बात, ये जो मेरे बराबर में बैठे हुए अभी मेरी जबान को टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं कैसे कैसे कर रहे थे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मैं हर बार इस रेफरेंस को देता हूं कि अपनी 7 जनरेशन बता दें मुझे नदीमुद्दीन जी, 7वीं जनरेशन में अगर राम श्याम इनके फोर फादर ना निकले तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। जनरेशन बताता हूँ, सुनो बताए, तुम सात जनरेशन बताओ, मैं 7 जनरेशन। ठीक है, सुनिए, मेरा नाम शिवम त्यागी, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी, उनके पिता का नाम राम नारायण त्यागी, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह, और मेरे फोर फादर्स राजस्थान से आते हैं। अब बताइए अपने 7 जनरेशन का नाम। हेलो, ये तो आवाज चली गई शायद, लग रहा। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 मेरा, हाँ सुनो, मेरा नाम नदीम। अरे कब बताएंगे ये तो बताइए। दादा का नाम कब बताएंगे? हमारे दादा का नाम सिद्दीक, उसके बाद शेख दादन, मैं बताता हूँ, सुनो 14 भाई, सब सुनो। अरे इतना घबरा काहे रहे, इधर उधर काहे जा रहे, ये नाम सोचने के लिए नहीं कहा है भाई, मेरे पास तो डेटा है, आपके पास भी कुछ है क्या? 3 जनरेशन के बाद डिसेंडेंसी नहीं है आपके हिंदुस्तान में? झूठ बोल रहे हैं बैठकर यहाँ पर, सोच करके हम नहीं बता रहे हैं। अरे भाई 3-4 जनरेशन के बाद डिसेंडेंसी नहीं है आपके हिंदुस्तान में? कुछ भी बोलने से थोड़ी होता है कि भाई किसी भी नाम को उठा के अपने फोर फादर नहीं बना लिए मैंने, मैं तो आपको आधार पे बता रहा हूँ, आप मुझे आधार लेकर आइए, चलिए हरिद्वार, इसी बहाने गंगा भी नहा लेंगे, आप हमारे भाई तो हैं, चलिए आपको भाग से मिलवा के लाते हैं। फिर तो मैं वही कह रही हूँ, जब डीएनए एक है तो अल्लाह अकबर, हर हर महादेव दोनों कहा जा सकता है। मान नहीं रहे ना नदीमुद्दीन जी, चलो बोलिए हर हर महादेव, मैं बोलती हूँ अल्लाह अकबर, चलिए आप बोलिए हर हर महादेव। पर मेरा शिजरा भेजता हूँ, 1400 साल की मैं तारीख बताता हूँ, तारीख तारीख दिन सब बताइएगा, बोलेंगे हर हर महादेव, आपका मेरा डीएनए है सर, बोलेंगे क्या? जर्मन से नहीं आया, बोलेंगे क्या हर हर महादेव, नहीं आया हूँ, बोलेंगे क्या हर हर महादेव, आपके और मेरे पूर्वज एक है, इस बात को मदनी कह रहे हैं ना, अगर वो फेक नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो वैसे की तरह सीधे आके नहीं बता सकते, तो फिर आप मान लीजिए, ये तो एजेंडा है जो कोई और चलाता है, आप लोग तो मानेंगे नहीं इस बात को, आप तो एकदम न्यूट्रल है, आप तो कह रहे हैं कि डीएनए एक है। अरे हमारा सैयदना आदम का ये मुल्क है, सैयदना आदम भारत में आए, मेरे दादा का मुल्क है, सैयदना आदम दुनिया के पहले इंसान है, हमारा डीएनए उनसे मिलता है। गीता भट्ट जी को लाइए प्लीज, नदीमुद्दीन जी को जवाब दे दीजिए गीता जी। जी माधुरी जी, देखिए अब नदीमुद्दीन जी के तो क्योंकि वो तर्कविहीन बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे यह आग्रह करूंगी
कि आप कृपया इस विषय इस बारे में सोचें। देखिए बाला साहब देवरस जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि जितने भी आप देखें जैसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें मूल बात मूल दर्शन वही रही, लेकिन हमारे पूर्वजों ने समय समय पर उनमें जो उसको व्यावहारिकता के अनुसार जो बदलाव लाने की आवश्यकता थी उन बदलावों को लाया। शायद यही कारण है कि वेद आए, फिर उपनिषद आए, पुराण आए, स्मृतियां आई, तो और उनके काल परिस्थिति समय काल परिस्थिति के अनुसार उनमें बदलाव लाया गया और समय के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। ऐसा ही यहूदियों ने भी हर शताब्दी में अपने ग्रंथों को देखा और उनकी जो विवेचना है उस विवेचना को उसके मूल मूल तथ्य उसका वो रहा, लेकिन उसकी जो विवेचना है वो बदली गई। परंतु ऐसा क्यों हुआ कि इतने लंबे समय तक जहाँ तीन तलाक की जब बात आई तो आज 21वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में जाकर मुसलमान मुस्लिम महिलाओं ने, और मैं उनका उनको साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने खड़े होकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी उन्होंने, और सरकार का उनको समर्थन मिला लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि हमको भी अधिकार चाहिए बाकी महिलाओं की तरह। तो इसके लिए आप समाज में बदलाव लाने की बात क्यों नहीं करते? समाज में बदलाव तक तो ठीक है मैडम, समाज में क्या है कि ये बदलाव की बात तो बहुत दूर की है, पर हाशमी जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम सर आप ये तो कह सकते हैं कि आज मदनी जी झूठ बोल रहे हैं या फिर ओवैसी साहब झूठ बोलते आ रहे हैं, ये तो कम से कम आप बता ही सकते हैं कि इस देश के मुसलमान क्या संघ को प्रणाम करेंगे जो इस वक्त हाशमी जी आपके माफ कीजिएगा जो आपके मदनी जी कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से भ्रमित करने से काम नहीं चलता, मुखौटा पहन के झूठ बोल देने से काम नहीं चलता, और वो भी वो लोग जो कई और लोगों को प्रभावित करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।